हेलो माय डियर कैंसर, सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ विल बी योर लव लाइफ इन दिसंबर 2024। 2024 में आपका जो दिसंबर लास्ट मंथ बचा है उसमें आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, ठीक है। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी क्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके ताकि आप लोगों को परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिले। प्लीज़ गॉड गिव मी क्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल अनिस्ट आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल अनिस्ट आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड एनीथिंग एल्स। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, एकदम एक लाइक एक नए सिरे से या फिर एक नए पर्सन का एंट्री होना, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ आपके लाइफ में। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंगली एनर्जेटिक इंसान मुझे ये दिखाई दे रहा है जो आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, तो नाइट ऑफ फायर की एनर्जी है। इसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं। अब देखिए, मिंगल हो, सिंगल हो, जो भी हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं देख पा रही हूँ कि एक एडवेंचरस इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि बहुत पैशनेट भी है, जो कि बहुत एनर्जेटिक भी है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। तो जब ये पर्सन आपसे प्यार कर रहा है तो वो भी इनके लाइफ का ही पार्ट होगा कि जो मैं इससे प्यार कर रहा हूँ ये तो मेरा ही है ना, सब कुछ मुझसे ही जुड़ा है ना। अगर मैं प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं भी इसके लिए कुछ एफर्ट दिखाऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इनका एफर्ट आपके लिए निकल कर आएगा वो एफर्ट बहुत ही हीरोइक होगा, बहुत ही फियरलेस होगा, बहुत ही एक्साइटिंग होगा, बहुत ही चार्मिंग भरा होगा। और आपके ये जो पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं, ये पर्सन एक रिवॉल्यूशनरी इंसान हो सकते हैं, ब्रेव इंसान हो सकते हैं, रिबेलियस हो सकते हैं, आर्मी के हो सकते हैं, नेवी के हो सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ, इस पर्सन के अंदर गुस्सा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा होगा। और अगर आप दिसंबर के महीने में कोई कंट्री जा रहे हैं, कोई कंट्री मूव कर रहे हैं, उस दौरान भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, या फिर वहाँ पहुँच जा रहे हो तो वहाँ जहाँ जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ के कोई लीडर हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर उनकी कोई बड़ी बिजनेस हो सकती है। ये इंसान बहुत रिस्क लेने वाले हो सकते हैं। नेशनैलिटी, अगर आप दूसरे कंट्री जा रहे हैं तो आप इतना जान लीजिए कि इसकी नेशनैलिटी आपकी कंट्री वाली है नहीं, इसकी दूसरी नेशनैलिटी है। जैसे अगर आप इंडियन हैं तो वो इंडियन नहीं है, यूरोप जा रहे हो तो यूरोपियन हो सकते हैं, अब जो भी कंट्री हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप जा रहे हैं फॉरेन तो, और अगर नहीं जा रहे हैं यहीं के हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी यहीं के होंगे, लेकिन एनर्जी सारी सेम होगी, काफ़ी शेमलेसली फ्लर्ट करेंगे ये आपके साथ, ये बात ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको ये फील खुद ही, मैं क्या बोलूँ कि खुद ही फील करा देंगे आपको कि मैं करता हूँ तुमसे प्यार, या फिर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये तो रिश्ते में रहोगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा ना कि हाँ, इसके दिल में प्यार है मेरे लिए, ठीक है। हॉट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग नहीं करते हैं, बहुत एक्शन लेते हैं विदाउट एनी थिंकिंग, ये चीज़ है। लेकिन लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ को लेकर जैसे सीरियस रहेंगे, घूमना फिरना, ट्रैवल करना, इधर उधर जाना, लव मेकिंग, प्यार, बहुत सेक्सी होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो लव लाइफ आपका काफ़ी तीखा मीठा या खट्टा मीठा उस टाइप का रह सकता है। उसके बाद है एट ऑफ फायर की एनर्जी। यहाँ पे जो आपके लव लाइफ में डिले हो रहा था ना, जो भी डिले हो रहा था, अभी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक है, और इंसान आपको हमेशा, जो आपके पार्टनर है वो इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं या कोई बातों को टाल रहे हैं, कोई बात आप सामने रख रहे हो उसको टाल रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, कोई हैवी टॉपिक है उस पर डिस्कस करने से बच रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे दिसंबर के मंथ में इंटर करोगे और आपका करंट रिश्ता है जो ख़राब चल रहा है, वो 8 दिनों के अंदर, 1 वीक मान के चलिए, 1 वीक से 1 दिन ज़्यादा, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। ओके, जो भी चीज़ें अभी चल रही है वैसी नहीं रहेंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी और बदल जाएगी। और जो भी डिले चल रहा है या आपके पर्सन चीज़ों को टाल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं ना, वो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें ठीक होते हुए बहुत जल्दी दिखाई दे रही है, रिश्ते में गिव अप करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 दिन आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, दिसंबर का आने तक वेट कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है, और एक बार में बहुत सारी चीज़ें आपके रिश्ते में, आपके लव लाइफ में होने वाली है, ठीक है। चाहे आप सिंगल हैं, मिंगल नई रिलेशन में आ रहे हैं, या फिर आपका कोई करेंट रिलेशन ही है, आपको मैं देख पा रही हूँ कि एक बार में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिल रही हैं, बहुत सारी खुशियों को इंजॉय कर रहे हो। और ये सारी खुशियाँ कौन देगा? आपके सामने वाले पार्टनर आपको ये सारी खुशियाँ दे रहे हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो है फोर ऑफ वाटर। फोर ऑफ वाटर यहाँ पे आपको ये बता रहा है, बोर्डम एंड डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेले रह रह के, सॉलिट्यूड में रह रह के आप बहुत परेशान हो गए हो। अब चाहते हैं कि मेरे लाइफ में भी कोई इंसान आए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान तो आपके लाइफ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना है, बिहेवियर पे, ठीक है। अगर आप अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रपोजल मिलने वाले इस महीने, ठीक है। एक अच्छे इंसान को चूज़ कीजिएगा, ये आपके लिए गाइडेंस है। मतलब आपके लाइफ का जो भी बोर्डम है, टेंशन है, तनाव है, या फिर आप एकदम आना ही चाहते हो लव लाइफ में, कोई मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं रहूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, तो इस दिसंबर मंथ ऐसा हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव लेटर है, वो है आपका यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, ठीक है। तो आपके ये जो पर्सन है, ये आपको कहना चाहते हैं, इस तरीके से आप दोनों के बीच में बाउंडिंग बनेगी कि आप इनको, मतलब ये जितना अपने आप को नहीं जानते, उससे कहीं ज़्यादा आप इनको जानने लगोगे, ठीक है। इनकी एक्टिविटीज़ को, हर एक चीज़ को आप जानने लगोगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को अपनी लव लाइफ की, या फिर मैरिज हो, करियर, लव लाइफ, पास्ट लाइफ, एग्रेशन, कुछ भी पर्सनल लिंक चाहिए, तो कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, आप लोग अपनी रीडिंग ले सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से बुक कर सकते हो, कर लीजिए। और मैं प्रे करती हूँ आप लोग खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर।